तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर मैंने नहीं देखा है। नहीं नहीं फिर मैं नहीं इसको बोल बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल है। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोग जो अपने बाइक है इसके अंदर चेंज करने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन करवाने जा रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि जब भी हम लोग बजाज के सर्विस सेंटर में गए तो वहाँ पर अपने को वो जो चाहिए था वो पार्ट नहीं मिला। और अभी हम लोग ने लाइक सर्च किया था ऑनलाइन, बट ऑनलाइन में भी कैसा है कि वो पार्ट आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड उसके वजह से हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सह्याद्री मोटो में, अपना जो डोमिनार है उसके पार्ट को लाइक पीछे का टॉप रैक है एंड सडस्ट है वहाँ पे फिट करने के लिए। बट इसके पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा एंड अपने जो फ्रेंड है, सब्सक्राइबर है, गजानन भाऊ। हाय गजानन भाऊ। नमस्कार नमस्कार। सो वो यहाँ पर आए हैं अपने को मिलने के लिए एंड अपने साथ चलने वाले हैं वहाँ तक। तो जो चीज़ लगाना था वो ये है कि यहाँ पे अपने को ये टॉप रैक लगाना है। अब सह्याद्री मोटो में अपने पास लास्ट ऑप्शन वही है तो वहाँ पे जाके देखते हैं। एंड सैडल से लगाना है। सो सैडल से लगाने का एक और बेनिफिट ये है कि लाइक अपने जो ये सिग्नल लाइट्स है वो टूटेंगे नहीं एंड बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लाइक ये जो मेरा नंबर प्लेट है उसको पूरा बैंड कर दिया है लोगों ने, तो जब बाइक पार्क होगा तो वो सारे छोटे छोटे नुकसान होने के बच जाएंगे। तो चलिए अभी यहाँ से बस पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। गाइस गजानन भाऊ आगे गए, हम लोग भी निकल रहे हैं। चीज़ यह है कि गजानन भाऊ का ड्रीम था लेह लद्दाख की राइड करना, जैसे हम सबका था, बट वो जा नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक्चुअली बुलेट लिया था और बुलेट को एकदम से मॉडिफाई करके रखा था राइड के लिए, बट वो जा नहीं पा रहे थे। और लास्ट ईयर बोलते हैं ना कि लक बाय चांस, उनका लक लग गया और वो लद्दाख का राइड करके आए। उन्होंने एक्चुअली लद्दाख के राइड के लिए हिमालयन लिया, तो ये 2020 का मॉडल है हिमालयन। और उन्होंने मुझे बुलाया था, तो यहीं पे रहते हैं थाने में, मीरा रोड में। बट क्या होता ना कि बहुत बार हम लोग ऐसे बाजू में होने के बावजूद भी जा नहीं पाते, तभी मैं जॉब करता था। साला अभी तो 10 ही बज रहे सुबह के। आई होप सो कि सह्याद्री मोटो अभी ओपन हो गया रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आए थे यहाँ पे। गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं सह्याद्री मोटो एंड देखते हैं प्राइस क्या है, मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करता हूँ। एंड बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है इंस्टॉल करवाने में भी। अभी अवेलेबल हो तो बहुत ही सही रहेगा। भाई हमारे डोमिनार की फिटिंग कर रहे हैं। टेनिस है के ले लो ना। अच्छा भरत भाई एक सजेशन देता हूँ, ये जो है ना ये लाइट के लिए वो थोड़ा सा आप चेंज करो, या तो कट करके अंदर डाल दो या तो आगे लगाओ, क्योंकि क्या गाड़ी गिरता है ना तो लाइट गिर जाता है, टूट जाता है ना। नहीं जब गाड़ी गिरता है ना तो ये देखो उस साइड में आपको ज्यादा समझ में आएगा, वो बाहर आता है। दो दिन से आजकल क्या होते हैं, माझी सर्व रविवारी सुट्टी असेल घरी असतो, रविवारी त्यांना इथे येत असते एअरपोर्टला तिकडे कामाला आहे, त्यांचे मित्रांबरोबर पार्टनरशिप आहे। बोला ना बोल। नमस्कार 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 प्रकाश भाई, मी हॅपी रायडर गजानन पाटील। आम्ही आलोय आता सह्याद्री मोटो, त्यांचे सॅडल स्टे लावायचं फिटिंग करताय आणि आमचे ते सह्याद्री मोटोचे मेकॅनिक इंजिनियर आहेत भरत भाई आणि त्यांचे मित्र फिटिंग करताय, भरत भाई और उनके दोस्त फिटिंग कर रहे हैं। हमारे दोस्त का ये शॉप है सैयद, हमारे दोस्त है वैभव मोटे सर, इनका यह मॉडिफिकेशन का शॉप है। बहुत ही बेहतरीन मॉडिफिकेशन वो करते हैं, हर ट्यूनिंग बाइक कौन सी भी ट्यूनिंग बाइक यहाँ लेके आइए और उन आप आपके मन जैसा काम उनसे करवा सकते हो और रिजनेबल प्राइस में। और उनका जो वर्क है बहुत ही बढ़िया है, मजबूत है, हेवी है, कोई दिक्कत नहीं आती है। उनका यहाँ से जो जो माल जो है ऑल इंडिया सप्लाई होता है, आप थ्रू कुरियर भी मंगा सकते हो या तो गाड़ी यहाँ छोड़ के जाइए, वो बना के रखते हैं।
हाँ उनका मोबाइल नंबर बोलता हूँ, नंबर नीचे मिल जाएगा, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेनलेस स्टील के ना बोल्ट ना। हाँ अरे भरत भाई लद्दाख जाने वाली गाड़ी है। ये है ना, इसको बहुत टाइम हो गया लेकिन अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो लद्दाख में गिरेगा तो टूट जाएगा। हाँ। लाइट पहले लद्दाख में दो तीन बार गाड़ी गिरती ही है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं फिर मैं नहीं बोल बोलती है तो माझ्याकडून बहुत पैसे घेतले त्याने, तो आमचा घरचा माणूस आहे। नहीं कैसा है ना, इसमें उनका मेहनत भी लगता है और कम लिए हाँ। पहले ही बोले उन्होंने हाँ कि जो अपना है उसमें भी काम कर। आणि याच्याने काय होतं माहिती का, मी काढून का ठेवलं, मागे बसणाऱ्यालाही त्रास होतोय। अच्छा हाँ, मागे नाही होगा, इसमें नहीं होगा, उसमें होगा। हाँ उसमें होगा, तो मिसेस लेडीज बैठती है ना उसको तकलीफ होता है, लेडीज को भी बताया काढून ठेवलं पाहिजे। कसा दिसेल आपण बैठेगा, लुक घ्या ना, बैठेगा ना। हाँ मस्त बस बस। फाइनली मैंने आज ये टॉप रैक एंड ये सैडल स्टे लगा लिया सह्याद्री मोटो से। अगर आप लोगों को ये ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट करके अपने लिए ले सकते हो। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि काफ़ी अच्छा है, एकदम से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि लगाने के बाद जब मैं बाइक चला के यहाँ तक आया तो मैंने पर्सनली ये चीज़ नोटिस किया कि बहुत फ़र्क पड़ता है आपके राइडिंग में। तो लाइक जब भी आप लोग ये देखोगे, इंस्टॉल करोगे और चलाओगे तो पीछे की ओर आपको थोड़ा ज़्यादा वेट लगेगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपग्रेड जो अपने को करना है, नेक्स्ट चीज़ जो लेना है वो है सैडल स्टे एंड टॉप बॉक्स। तो पहले तो मेरा प्रायोरिटी रहेगा टॉप बॉक्स के रिगार्डिंग, फिर इसके बाद हम लोग शायद से सैडल स्टे लेने जाएंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग अपने राइडिंग ग्लव्स भी चेंज करने वाले हैं। जूने जो मेरे स्काला के थे वो थोड़े से मतलब अभी फटने लगे हैं, सो बेटर चीज़ है कि नया ले लेते हैं। सो देखेंगे, अभी तक फ़िलहाल ये चीज़ डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ से ये लेना है, बट आई रियली लाइक इट। एंड यहाँ पे आप लोगों को स्टेनलेस स्टील के बोल्ट्स दिए हैं जो कि रस्ट प्रूफ है, तो काफ़ी अच्छा है। एंड वेट मुझे बोला था आराम से 50-55 केजीस तक ये उठा सकता है, तो मैं सोच रहा था बड़ा वाला GDR का बॉक्स जो आप लोग अभी देख रहे हो वो लगाने के लिए, बट वो लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि लाइक क्या वो बैठेगा या फिर उसे छोटा लेना पड़ेगा, या फिर वो अगर बैठेगा तो फिर उसमें क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, तो वो सारा चीज़ देखना है। एक और चीज़ कि इसका जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप लोग सिर्फ टॉप रैक लेने जाओगे तो टॉप रैक है 2100 एंड अगर आप लोग ये सैडल स्टे लेने जाओगे तो दोनों साइड के सैडल स्टे आप लोगों को मिलेंगे 3500 में। तो वैसे तो प्राइस बढ़ जाता है, बट अगर आप लोग दोनों साथ में मंगाते हो तो 5300 में आप लोगों को ये मिलेगा। एक और चीज़ कि अगर लाइक आप लोग मुंबई के बाहर से या कहीं से मंगाने वाले हो तो आपको इसका जो चार्ज है लाइक ट्रांसपोर्टेशन वो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि है 600, क्योंकि ये हैवी है। इनका वेट है समवेयर अराउंड 4.5 केजीस तक का, तो ये चीज़ है। मुझे तो थोड़े डिस्काउंट में मिल गए क्योंकि गजानन भाऊ का वहाँ पे कनेक्शन था, सो थैंक यू गजानन भाऊ। एंड हाँ, आप लोगों को लेना है तो नीचे आप लोगों को नंबर मिल जाएगा या फिर आप लोगों को वेबसाइट का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसको ख़रीद सकते हो। सो अभी डोमिनार अपना लग रहा है पूरा फुली मॉडिफाइड रेडी फॉर टूर, जो चीज़ चाहिए था वो तो नहीं मिला बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो मुझे तो अच्छा लगा एंड मैं खुश हूँ। अभी आप लोग क्या बोल रहे हो इस चीज़ के बारे में ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो अपना चीज़ रहने वाला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, टॉप बॉक्स के लिए जाने वाले हैं, बट उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि एक चीज़ मुझे वो देखने भी है कि कैसे है, और दूसरा चीज़ थोड़ा पैसों का जुगाड़ भी करना है। वैसे तो एक छोटा छोटा पाइप बचता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो लाइक मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, मेरे थोड़े से पैसे बच गए जो मैं यूज़ कर सकता हूँ और अदर चीज़ों में।
एंड होप फॉर द बेस्ट. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को अपना हेल्प करने का बेस्ट ट्राई करूँगा. एंड स्टे ट्यून फॉर लेह लद्दाख राइड.